मान्य होंगे ये नियम, इंतजामिया कमेटी ने जारी की है लिस्ट, समझे इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के बीच धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने के लिए आदेश दे दिए गए, लेकिन सभी तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई, जिसे 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है। कुछ सरकारी और कुछ मस्जिद इंतजामिया कमेटी के नियमों को जोड़ने के बाद यह गाइडलाइन तैयार की गई। कुछ महजबी संगठनों ने भी इसमें सुझाव दिए हैं। बावजूद इनके कहीं मस्जिद खोलने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग अभी भी इंतजार करना ही बेहतर मान रहे हैं। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मान्य होंगे कौन कौन से नियम, इस रिपोर्ट में समझिए। मस्जिद में टॉयलेट और वजू खाना का इस्तेमाल करने से बचे, जहाँ तक मुमकिन हो सके नमाज के लिए सीधा घर से जाए। मस्जिद में सिर्फ फर्ज नमाज ही अदा करें, सुन्नत और नफील नमाज घर से ही अदा करें। ऐसे लोग मस्जिद में आने से बचे जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा या 10 साल से कम है। अगर किसी को बुखार, खांसी या किसी किस्म की कमजोरी है तो मस्जिद में ना जाए। जूते को स्टैंड में रखें, दूसरे के जूतों को हाथ ना लगाएं एवं जूते के लिए घर से बैग लेकर आए। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मस्जिद में एक दूसरे को गले न मिले और न हाथ मिलाएं। जहां तक मुमकिन हो मस्जिद में खुले हिस्से में ही नमाज पढ़ें। मस्जिद के गेट से निकलने और दाखिल होने वक्त सभी लोगों के बीच 6 फीट की दूरी रखें। नमाज पढ़ने के लिए जान माज घर से ही लेकर आएं और मस्जिद की दरी इस्तेमाल कर रहे तो उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज करें। नमाज पढ़ने के दौरान मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मस्जिद में नमाज के अलावा कोई दूसरी इबादत ना करें। नमाज हो जाने के बाद तुरंत ही मस्जिद का गेट बंद कर दिया जाए।